कहते हैं, आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का देसी व्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि जो है 3 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो ही रही है और आज तीसरा दिन है, जो कि अभी भी देख सकते हो आप मौसम जो है कुछ बना हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है। आप इस साइड में भी देख सकते हो पानी पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। तो बारिश जो है ज़्यादा हो गई है 3 दिन से यूपी उत्तर प्रदेश इस तरह से 3 दिन से लगातार कंटिन्यू जो है बारिश हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो अभी भी मानसून जो है बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, यानी काफ़ी जो है बारिश हो चुकी है, यानी कंटिन्यू 3 दिन से लगातार जो है बारिश हो रही है, जो कि 2 दिन से थोड़ा तेज़ बारिश हो रही है। आप देख सकते हो अभी भी मानसून जो है बना हुआ है, कंटिन्यू बारिश होने की संभावना अभी भी है। तो आप हम दिखाते हैं तालाब में ले चल के कि वहाँ पर पानी नहीं था, कितना पानी इकट्ठा हुआ, क्योंकि ये खेत में जो है पानी अभी इतना इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बारिश हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ये खेत है जो कि थोड़ा ढाल है और यहाँ पे भी देख सकते हो अब पानी जो है जमा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे, यानी बारिश से जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन से कंटिन्यू हो रही है। कुछ इस तरह का सीन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप सब देख सकते हो सीन जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी हम चल रहे हैं उस तालाब के पास जिसमें आपको दिखाएंगे जो कि काफ़ी सारे मेंढक भी बोलते रहते हैं, जैसे कि आप सब जानते होंगे बारिश में। तो देखते हैं मेंढक है यहाँ पे कि नहीं है। बिजली अभी भी कड़क रही है, जो है बारिश हो रही है हल्की फुल्की, फिर भी हम वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं ऐसे में, क्योंकि मुझे भागना पड़ेगा, मैं छाता भी नहीं लिया हूँ। तो मैं आप सभी को तालाब के पास लेकर आ गया हूँ, फिलहाल में जो है मुझे भागना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश का संभावना है, अब होने भी लगी है। तो यहाँ पे तालाब है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो पानी जो है काफ़ी यहाँ पे हद तक भर चुका है। पहले यहाँ पे पानी जो है ना के बराबर था, अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हुआ है, अभी भी बारिश हो ही रहा है। तो ये जो आप आगे देख सकते हो मेरे उंगली निशान पर, ये जो है कंडी है जो कि गोबर से पाथा जाता है, इसे खाना वगैरह जो है बनाया जाता है। तो यही रहा दोस्तों देसी ब्लॉग, ऐसे ही ब्लॉग पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको मिलता रहेगा।